दोस्तों मैंने एक सेब तोड़ा है यहीं से ही ऊपर से, देखते हैं जरा खाके से कैसा लगता है। चेक करें मेडिसिन फिक्स सामान, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ आनंद भयो गाइस, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल नेचर मॉन्क में हार्दिक स्वागत है। आज हम नैनीताल के रामगढ़ जिले के एप्पल गार्डन में जाने वाले हैं। स्टॉप 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 स्टॉप, आप ये मत समझना कि ये शोले वाला रामगढ़ है, ये नैनीताल का एप्पल गार्डन वाला रामगढ़ है, इसलिए प्लीज़ माइंड इट। और हाँ, इस रामगढ़ ज़िले में शोले वाले जय वीरू गब्बर ठाकुर और बसंती नहीं, यहाँ पे सेब मिलेंगे और सेब से बने हुए प्रोडक्ट्स। तो बने रहिए मेरे साथ एप्पल गार्डन में एप्पल खाने का लुत्फ उठाने के लिए। नेचर मॉ मॉ मॉ। तो दोस्तों हम अभी फ़िलहाल एप्पल गार्डन आ गए हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये सेब के बागान है पूरे, और यहाँ पे भी इसका टिकट सिस्टम है, तो देखते हैं टिकट कितने का है। टिकट यहीं से मिलेगा? हाँ यहीं से। तो दे दो तीन टिकट दे दो। ये 100 रुपये का टिकट है सर, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो कोविड के हिसाब से भी हम डिस्काउंट किए, तो 100 रुपये का टिकट था, इस बार ये टिकट 50 रुपये में था। अच्छा ये आपको टिकट पल ये लो। और कोई नहीं है, एप्पल गार्डन है तो वही मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो टिकट है वैसे 50 रुपये का है, पर इन्होंने हमें एक ही टिकट दिया है 100 रुपये का, क्योंकि इनके पास न्यू प्रिंटिंग के अवेलेबल नहीं है। और ये सिर्फ फिलहाल बाग से ही तोड़े हुए। ये क्या है? ये हमारे पास एप्पल जैम है जी, और पीच जैम, एप्रिकॉट जैम, प्लम जैम और शहद। वो शहद बढ़िया यहाँ का, इसमें फ्लेवर भी रहेगा और बहुत बढ़िया शहद है। अच्छा, तो ये आप ही यहाँ पे तैयार करते हैं या? नहीं सर, हम अपना यहीं पर तैयार करते हैं। यहीं पे तैयार करते हैं सर। अच्छा अच्छा, अपना सब ब्रांड है, अपना स्टोर का सब यहाँ यहीं पर करते हैं, अपने फ्लोर का सारा जैम जो भी है सब यहाँ अपना फ्रूट टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा एप्पल जूस कितने का दे रहे हैं भैया आप? ये एप्पल जूस कितने का दे रहे हैं? ये 50 रुपये का, ये 30 रुपये का। अच्छा अच्छा, तो ये खट्टा मीठा एप्पल का जूस होता है? खट्टा मीठा है। अच्छा, इसमें कुछ मिक्सिंग भी करते हैं आप? काला नमक। काला नमक, अच्छा ठीक। तो दोस्तों हम एप्पल गार्डन के अंदर एंटर कर चुके हैं, ये एप्पल लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये एप्पल देख रहे हो आप। दोस्तों चारों तरफ यहाँ पे सेब के बगान हैं, सेब के ही पेड़ हैं। इस पेड़ के सेब थोड़े से लाल लग रहे हैं मुझे ज़्यादा, बाकी सबसे अलग है। इसको ट्राई करेंगे हम। इसको तोड़ के खाएंगे। चलो दोस्तों ट्राई करते हैं जरा इसका सेब। चलो तोड़ते हैं। दोस्तों मैंने एक सेब तोड़ा है यहीं से ही ऊपर से, देखते हैं जरा खाके से कैसा लगता है। हाँ हाँ आनंद भयो। इसे खट्टा मीठा, हल्का सा फीका है, बाकी मज़ेदार है। मज़ा इसलिए ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि सामने सामने खुद तोड़ा है और फ्रेश एप्पल खा रहा हूँ मैं। ऑसम। दोस्तों उत्तराखंड में आए तो एप्पल गार्डन ज़रूर आना, मुक्तेश्वर के अंदर सच में अद्भुत अनुभव है, और मैं तो पेट भर के खाने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ चारों तरफ सेब के ही सेब, सेब ही सेब है। दोस्तों इस गार्डन की खास बात यह है कि आप यहाँ पे एंट्री टिकट दो और उसके बाद जितना मन आपका करे उतना
एप्पल आप खा सकते हैं तोड़ के। मैंने तो एक एप्पल और तोड़ा है, मैं एक और खाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ज़ोरों की भूख लगी है और इससे बेहतर खाना तो कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। ओह आनंद भाई, मैंने ये नाशपाती का पेड़ भी है, नाशपाती तोड़ के खाया, नाशपाती नहीं है, बब्बू कोसा है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो हो ही रहा है। और ये ऑर्गेनिक की सबसे ख़ास बात ये है इसकी, और फ्रेश तो है ही है। ओह दोस्तों, मुक्तेश्वर की तरफ हम यहाँ पे एक एप्पल गार्डन में आए हैं, इसका नाम है स्नो व्यू ऑर्चिड उत्तराखंड। तो यहाँ पे इनका जो आउटलेट है, यहाँ पे शॉप है, इनका खुद का गार्डन भी है सामने, और नीचे की तरफ गार्डन है। यहाँ पे काउंटर पे भैया जी कुछ बताएंगे इसके बारे में। प्लीज़ भैया जी, थोड़ा सा इसके बारे में ओवर थोड़ा सा बताइए, और क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट हैं अवेलेबल। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, मेरा नाम विद्यासागर है। तो हमारे शॉप यहाँ स्नोवियो चढ़ में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ ब्लॉक में खबरार नाम गाँव है। तो यहाँ पर हमारा 55 एकड़ का फार्म है एप्पल का। तो हमारे पास यहाँ पर कम से कम 15 वैरायटी का एप्पल भी है। सुपर सुपर एप्पल है, डेलिशियस है, रेड डेलिशियस है, एलन सरी है, रेड गोल्ड है, गोल्डन है, और क्या केरी पिपन है, और टाइडमैन है। तो ये सारी वैरायटियाँ हमारे बगीचे में अभी अवेलेबल है। तो इसकी टाइमिंग बता दीजिए, कब से कब तक खुला रहता है ये? हमारा सवेरे 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक हमारा गार्डन खुला रहता है, और हमारा शॉप भी यहाँ पर खुला रहता है। और हमारे शॉप में भी हम अपना लोकल प्रोडक्ट जो स्नोव्यू का एप्पल का पूरा है, तो वो जैम वगैरह सारा हम यहाँ पर बना के उसको भी टूरिस्ट को इसको दे सकते। अच्छा, यहाँ का आप वो चीज़ बताइए कि आपने यहाँ पे टिकट में आप जितना मर्जी एप्पल खा सकते हैं, ये बताइए। लोग बहुत खुश होंगे इस चीज़ को देख के कि वो खुद अपने हाथों से सेब तोड़कर खा सकते हैं, और 50 रुपये का टिकट है मात्र। सर ये टिकट जो था हमारा 100 रुपये का है, तो इस बार टिकट के हिसाब से हमने थोड़ा सा डिस्काउंट कर रखा है लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर जाएगा आदमी, तो एक पीस तो हमने अलाउ करा ही रखा है अब, लेकिन आदमी अपने अपने वो है, कोई 2 पीस भी खा लेता है। लेकिन हम तो बोलते हैं कि गार्डन भी रहना चाहिए और लोग भी देखेंगे, और नुकसान भी नहीं करना है, और एक आध पीस शौक से अपने हाथ से तोड़ के खा सकता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना संपर्क सूत्र बता दीजिए ताकि लोग जो यहाँ पे आना चाहें आपसे संपर्क करके डायरेक्ट, या फ़ोन पे उनको यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एप्पल गार्डन में से तोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे ये पेटियों में इन्होंने भरे हुए हैं, और ये A1 क्लास के एप्पल्स हैं सारे के सारे, अलग अलग इनकी क्वालिटीज़ में अवेलेबल हैं। तो आप इनसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये बता रहे हैं ताकि अगर आपको ऑर्डर करना हो या यहाँ पे कभी विजिट करना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, कैसे यहाँ पे आएंगे। सर नैनीताल से ये कम से कम 30 किलोमीटर के आसपास में स्नोव्यू गार्डन है ये खबरार नाम से, और हमारे यहाँ पर लकड़ी का शॉप है। तो आप यहाँ पर आएंगे और हमारे शॉप से यहाँ आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद आप गार्डन में विजिट करेंगे। जी कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ, 9690084027 सागर नाम से मेरा नंबर होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और सारे नंबर इसी में है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी। यहीं पे पास में हमने मुक्तेश्वर में जस्ट एंटर करने से पहले ही हमने थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट में ब्रेक लिया है ताकि हम दोपहर का खाना खा सकें। तो रेस्टोरेंट जहाँ पे रोका है हमारे ड्राइवर ने, बहुत अच्छी जगह है ये भी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। मैं सोचा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो ये रहा यह रेस्टोरेंट, ये बालकनी है, और यहीं से बालकनी व्यू से रेस्टोरेंट का ये नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से।